आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, आकृति में रेखाएं AB तथा CD O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। कोण BOC बराबर 63 डिग्री हो तो XYZ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि रेखा AB और रेखा CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, और कोण BOC अर्थात ये वाला कोण हमें दिया हुआ है, तो XYZ का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो यहाँ से एक कोण तो हम ऐसे ही बता सकते हैं X, क्यों, क्योंकि ये जो है वो इस 63 डिग्री के क्या है, विपरीत कोण है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण BOC तथा कोण AOD विपरीत कोण है, इसीलिए जो आमने सामने वाले कोण होते हैं, एक दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के आमने सामने वाला है, इसको क्या बोलते हैं, विपरीत कोण। तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। विपरीत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही कोण किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पे कोण BOC कितना दिया हुआ है, 63 डिग्री, और कोण AOD कितना दिया हुआ है, X डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ तुलना करेंगे, यहाँ से डिग्री हट जाएगा, तो X बराबर कितना आ गया, 63। ठीक है, ये एक मान आ गया। अब X आ गया, तो इस रेखा पर एक तरफ पूरा कितना कोण बनता है, 180 डिग्री। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, संपूरक कोण। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, रेखा AB के लिए कोण, ये दोनों कोण क्या है, संपूरक कोण है। ठीक है, तो कोण AOD संपूरक कोण में क्या होता है, दोनों कोणों का मान, जो दोनों कोण होंगे उनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण AOD प्लस कोण BOD बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से AOD का मान कितना आया, X। ठीक है, AOD कितना था, X डिग्री है। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, X डिग्री प्लस कोण BOD कितना है, Z डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे X कितना है, 63 डिग्री है, प्लस Z डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो Z डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ से Z बराबर 180 में से 63 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 117 डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ डिग्री है, तो तुलना करेंगे तो ये डिग्री हट जाएगा, तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 117। ठीक है, तब अब हमें पता है कि ये जो Z डिग्री है और ये जो Y डिग्री है, ये दोनों कैसे हैं, विपरीत कोण है। ठीक है, इस प्रतिच्छेदन बिंदु के सापेक्ष में। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण, कौन सा कोण है ये, Z वाला कोण BOD, और ये कौन सा कोण है, AOC। तो कोण AOC तथा कोण BOD विपरीत कोण है, इसीलिए कोण, विपरीत कोणों का मान क्या होता है, आपस में बराबर, इसीलिए कोण AOC बराबर कोण BOD। तो कोण AOC कितना है यहाँ पर, Y डिग्री, और कोण BOD कितना है, Z डिग्री। तो Y डिग्री बराबर Z डिग्री। ठीक है, दोनों तरफ डिग्री है, तो डिग्रियों की तुलना, डिग्री क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे तुलना करने पर। तो Y बराबर कितना आ गया, Z, और Z कितना आया था, 117। ठीक है, तो हम इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए Y बराबर 117। तब हमारे तीनों का मान आ गया, XYZ तीनों का आ गया। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अतः X बराबर कितना आया था, 63, Y बराबर 117, और Z बराबर भी कितना आ गया, 117। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।